हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन, जिसका टेस्ट आईडी है DTPL PYP M030। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि 81 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 81 से यदि वो नंबर डिविजुअल होगा, इसका मतलब वो 9 से भी पक्का डिविजुअल होगा। अब एक बार चेक करेंगे कौन कौन सा नंबर 9 से डिविजुअल है। इसको चेक करेंगे तो ये कट जाएगा, 9 से सम करेंगे तब ये पूरा कट जाएगा, बचेगा एक। एक बचेगा मतलब ये 9 से डिविजुअल नहीं होगा। इसको यदि हम डिजिट का सम करें तो जो पहले 9 आएगा उसको काट देंगे, बचेगा 8, तो ये भी आपका 9 से डिविजुअल नहीं होगा। इसमें आएंगे तो 9 9 9 9 9 और 5 4 9, ये हो सकता है अभी इसको रखेंगे हम लोग। इसमें आएंगे तो 9 9 9 और ये 15 और 6 21 आया, ये तो ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजुअल है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देखते हैं। इस बोर्ड मास को हम लोग सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको यहां से मिलेगा 4, फिर 4 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44.22, फिर ये माइनस है तो यहां पर आप माइनस कर देंगे 44.22, ये मिलेगा 01 इधर, इधर मिलेगा आपका 42.01 और फाइनली आप 178.01 और 42.01 को आप माइनस कर देंगे। इधर तो ये 00 हो गया, ये 63 और 1 वाला 136 हो जाएगा। 136 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, ये आपको फॉर्मेट फिक्स फॉर्मेट है, इसको पता रखना है आप लोग को कि a³ + b³ / a² - ab + b² = होता है a + b। तो ये जो फॉर्मेट है इसी पर सेट कर रहा है, तो इसके जगह पर a + b होगा। a हो जाएगा 777 प्लस b हो जाएगा 423 और इसके साथ यहां पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है 1/30। इसको माइनस कर लेंगे कितना देगा, 30 देगा। इसको ऐड करेंगे तो 10 10 और 11 12 1200 और ये हो जाएगा 1/30। फिर इसको काट देंगे तो फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो 40 आ जाएगा और 40 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको आपको पता रखना है तब जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि 82 - 18 * 18 का पावर 0.5। पावर 0.5 कहने का मतलब यहां पर पावर हाफ, और पावर हाफ मतलब रूट, इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है। इसको हम लिखें तो ये आपका 82 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 18 का स्क्वायर बन जाएगा। तो a² - b² का फॉर्मेट बन गया, तो a + b और a - b हम लोग इसको कर लेंगे, इसका फिर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 100 देगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 64 देगा। अब इसको ऐड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां पर देखिए इससे 10 निकलेगा, इससे 8 निकलेगा, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आपका 80 आएगा। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर लिखा हुआ है कि एक परिवार गेहूं सब्जी और तेल पर जो खर्च करता है वो 12, 8 और 5 के रेशियो में है। गेहूं पर, वेजिटेबल पर और ऑयल पर जो खर्च किया वो दिया हुआ है आपका 12, 8 और 5। हम अपने मन से एक एक जीरो ले रहे हैं यहां पर अपने सुविधा अनुसार। अब लिखा हुआ है कि इन वस्तुओं की मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो गेहूं में है वो 50% का वृद्धि हो गया, 50% का वृद्धि मतलब वो 150% हो गया। इसका 150% निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 180, या फिर आप क्या करिए 120 का 50% निकालिए 60, तो 60 बढ़ गया, 120 और 60 बढ़ गया कितना हो गया 180। इसी टाइप से यहां पर बोला गया 125% बढ़ गया वेजिटेबल में, इसका 25% निकाल लेंगे पहले, 1/4 होता है 25% तो 20 होगा, तो 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 100, या फिर डायरेक्ट आप 125% निकाल लीजिए।
और आगे लिखा है 40% बढ़ गया ऑयल में, इसका 125% निकाले हैं, इसका आप 140% निकाल लेंगे। इसका 40% देखेंगे 20 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपका 70 हो जाएगा। अब लिखा हुआ है कि इन वस्तुओं पर पारिवारिक व्यय कितना परसेंट वृद्धि होगी, मतलब पहले से कितना इंक्रीज करना पड़ेगा एक्सपेंस। तो पहले देखते हैं पहले एक्सपेंस था कितना, तो ये पहले एक्सपेंस था 200 प्लस या 250 हो गया। अभी एक्सपेंस कितना है इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपका 250 तो कितना ज्यादा एक्सपेंस बढ़ गया इसका 100 बढ़ गया, कितना में से 250 में से इंडू कर देंगे 100, जीरो जीरो कट गया 25 से चार बार में, तो 40% का जो है एक्सपेंस का इंक्रीज करना होगा और 40% आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है, मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले मतलब सोमवार द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी, यानी कि यहां मंडे और ट्यूसडे के बारे बोला गया है। यदि मंडे को 12.5% मतलब 1/8 पता होना चाहिए आपको, यदि मंडे को ये 8 डिस्टेंस ट्रेवल की होगी तो ट्यूसडे को एक कम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, 8 में से एक कम, तो कितना की होगी 7, यहां पर हो जाएगा 7। तो मंडे और ट्यूसडे बोलेंगे, यदि ये 8 किया होगा तो एक कम हो जाएगा 7, 12.5% का वैल्यू देते 1/8 होता। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है क्या, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार के द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक थी, वेडनेसडे और ट्यूसडे के बारे बोला गया है, बुधवार को जो है मंगलवार से 20% ज्यादा होगा, यदि 100 120 या फिर यदि ये 5 तो ये कितना होगा 6 होगा। अब दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, पहले मर्ज करेंगे दोनों को, कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो निकल जाएगा तीनों दिन का, तो दोनों में टी आपका कॉमन है, क्या टी का वैल्यू सेम है, नहीं, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा करने से मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे जितना जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसका रेशियो निकल जाएगा, तो ये हो गया आपका 40, ये वैल्यू हो गया 35 और इधर से आपका ये हो गया 42। अब लिखा हुआ है कि बुधवार को टोटल जो है 336 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां पर बुधवार को कितना किया 42, तो 42 का वैल्यू 336 दिया हुआ है, तो एक का निकाल लेंगे यहां से, तो एक का ये 8 बार में कट जाएगा। तो पूछा गया बताइएगा कि सोमवार को कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सोमवार को कितना किया 40, तो 40 का वैल्यू निकाल देंगे तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, तो 320 किलोमीटर जो है सोमवार को डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है, ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, बी से 25% के लाभ पर सी को बेच दिया, यदि सी इसके लिए 68 रुपया की भुगतान करता हो तो ए ने इसे किस मूल्य पर खरीदा था। तो आप एक समझिएगा, ए और बी और बी और सी के केस में यदि हम रेशियो मेथड से बनाए तो आपका रेशियो ए और सी का आएगा, किसका आएगा कॉस्ट प्राइस का, जैसे यहां पर 10% लाभ था, 10% लाभ यानी कि 10 से 11 कर लेंगे, फिर 25% का लाभ था तो 4 से कितना हो जाएगा 5, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रेशियो आएगा ए और सी का कॉस्ट प्राइस का आएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट पर्सन का आएगा, इसको आप कट कर लेंगे तो यहां पर देखिए 2 बार में कट जाएगा, तो रेशियो आएगा 2 और 11 का, और यही 11 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी का भुगतान राशि दिया हुआ है 6875, एक का निकालेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा 6875/11, और यदि 8 का निकालेंगे 8 यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस, यहां पर आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको आप काट देंगे यहां से 11 से 6 बार में गया, 11 से 2 बार में और 11 से 5 बार में, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए का कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो आपका 5000 रुपया आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है,
ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1755 रुपया है तो बोतल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब यहां पर सिंपली 35% का डिस्काउंट दिया, एमपी यदि 100 रहा होगा तो 35% छोड़ दिया होगा, तो कितना बेचा होगा? तो आप बोलेंगे 65 बेचा होगा, और यही 65 का वैल्यू दिया हुआ है 1755। तो एक का निकाल लेंगे यहां से, एक का वैल्यू यहां से हो जाएगा आपका 1755 डिवाइड 65। फिर पूछा गया 100 का कितना होगा, तो 100 से निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर दोनों तरफ, इसको जब आप काटेंगे तो ये आपका 27 बार में कटेगा और इसका जो एमपी होगा वो 2700 आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रासित हो रहा है, मतलब मूल्य कम हो रहा है, तो बताना है 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आप समझिएगा, 10% का डिक्रीमेंट यानी कि 1/10 रेशियो होगा, तो 10 से 9 एक साल में होगा, 3 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो मान लीजिए प्रेजेंट में जो है 1000 दाम होगा, तो 3 वर्ष के बाद 9 का क्यूब यानी कि 729 रुपया हो जाएगा, और यही 1000 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख। तो एक का निकाल लेंगे यहां से, आपका आ जाएगा 1000, पूछा गया 3 साल बाद यानी कि 729 का वैल्यू जो हो जाएगा, तो हो जाएगा 729 देंगे 30। ठीक है, 729000, और 729000 आपको ऑप्शन नंबर ये बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, किसी राशि पर सीआई की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 90774 रुपया होगा, तो बताइए वह राशि कितना है। तो आप इसको इफेक्टिव रेट मेथड से बना लीजिए, बहुत ही इजीली बन जाएगा, और इफेक्टिव रेट मेथड में 2 साल का इफेक्टिव रेट 2R.R² होता है, R मतलब रेट, तो रेट 23 है तो 23 का स्क्वायर हो गया 529, लेकिन हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं हम लोग, तो हो गया आपका 29, 5 रह जाएगा कैरी, यहाँ पॉइंट है पॉइंट दे देंगे, और ये हो जाएगा आपका 23 और इंटू 2 46, और 46 और 5 हो गया 51, तो इतना परसेंट का आपका 2 साल का इफेक्टिव रेट आएगा। आप चाहे इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, दोनों बात बराबर है, दोनों केस में आपका इफेक्टिव रेट कितना आएगा, 51.29% आएगा। तो यहां से अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इसमें 100 ऐड कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका 151 पॉइंट, ये इसको मिटाते हैं, देखिए 151.29%, और यही 151.29% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 90774। तो यहां से 1% का वैल्यू निकालेंगे, ये 2 पॉइंट यहां नीचे आएगा, जैसे यहां 90774 आएगा और 151 2 9 और पॉइंट के वैल्यू ऊपर में 00 जाएगा, ये वैल्यू जो है आपका 600 बार में कट जाएगा। पूछा गया बताए वो राशि कितना है, तो प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100 होता है, तो आपसे 100 का वैल्यू पूछा गया है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 60000। ठीक है, 1 जीरो यहां पर होगा, 60000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है, लिखा हुआ है कि 7, 13, 21 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड फर्स्ट वाला कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा 39 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सब बोनस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के पर समूह की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, बताएं समूह में कितने लोग थे।
तो सिंपली नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल में चेंज को ऊपर में रखेंगे, टोटल में चेंज और डिवाइड रख देंगे एवरेज में चेंज। तो जरा बताइए आप टोटल में चेंज कितना हुआ, तो 24 था आ गया 66 वाला, तो आप बोल देंगे कि 42 का टोटल बदलाव आ गया। और एवरेज में इसके कारण क्या परिवर्तन आया, तो आप बोलेंगे 6 का वृद्धि हो गया, तो टोटल लोग कितना हो जाएगा, 7 लोग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उस ग्रुप में 7 लोग प्रेजेंट थे। टोटल चेंज मतलब कुल में कितना वृद्धि हुआ, तो 24 था 66 हो गया तो 42 बढ़ गया, इसके कारण से एवरेज कितना बढ़ गया, तो 6 से भागा दे दिए, इसका मतलब 7 लोग रहा होगा इस ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है कि एक बीकर में द्रव्य से भरा हुआ है और जिसका 3 भाग वाटर है, वाटर 3 भाग है और 7 पार्ट जो है मेडिसिन है, 3 और 7 रेशियो होगा। इस मिश्रण में कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिक्सर का, परिणामी मिक्सर में पानी और औषधि का रेशियो 1:1 हो जाए। आप सिंपली बताइए यहां पर रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, पानी का, और यदि पानी रिप्लेस हो रहा है तो मेडिसिन क्या होगा, सेम होगा। तो आप एक चीज बताइएगा, यदि पानी कुछ भाग मिक्सर का निकालेगा तो रेशियो अभी भी 3:7 रहेगा, लेकिन जैसे ही कुछ भाग यहां पर वाटर में लगेगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा और चेंज होकर लिखा हुआ है 1:1 हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि पानी मिलाया गया है तो आपका मेडिसिन तो सेम होना चाहिए, तो मेडिसिन को सेम करने के लिए यहां पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 7 और 7। देखिए पहले ही मेडिसिन 7 था, अभी 7 है। अब आपसे पूछा पानी कितना मिलाया, तो आप बोलेंगे पानी जो है 4 मिलाया, पहले कितना था 3 था, अभी हो गया 7, तो 4 पानी मिला दिया। अब 4 पानी मिलाया इसका भाग निकालना है, तो 4 पानी मिलाया कितना में से, तो टोटल मिक्सर कितना है 14, तो 14 में से इसका जो भाग होगा वो 2/7 होगा, तो 2/7 भाग पानी मिलाया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपका, ए बी से 3 गुना तेज है, ए बी से 3 गुना यानी कि यदि 1 होगा तो हो जाएगा 3। फिर लिखा हुआ है इसलिए किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय में पूरा करता है। अच्छा एक चीज बताइए, तो इफिशियंसी रेशियो है, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो जस्ट उल्टा 1 और 3 हो जाएगा। अब कितना दिन ले रहा है यहां पर कम, तो आप बोलेंगे 2, और 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 32, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और ये 1 का वैल्यू क्या है, तो ए का वो टाइम है, मतलब ए उस काम को 16 दिन में पूरा कर रहा है। अब यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, और टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, जिसका टाइम लेंगे उसके इफिशियंसी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। तो ये 16 टाइम ले रहे हैं जो कि ए का है, तो ए का टाइम 16 है और ए का एफिशिएंसी कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है, तो 48 काम है। अब बोला गया है कि ये दोनों मिलकर काम करेगा, तो ये 48 काम कितना दिन में हो जाएगा, तो 48 करवाना है, दोनों मिलकर एक दिन में 4 करेगा, तो आप यहां पर बोल देंगे कि 12 दिन में ये काम पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है कि 25 मीटर की एक वृत्ताकार रेस में एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 37 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। तो सिंपल बात है, यहां पर आपको टाइम पूछा गया है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप डिस्टेंस देखेंगे तो हो जाएगा आपका 2.5 किलोमीटर, और यदि आप स्पीड बोलेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड आपका ऐड होगा, तो ऐड अप हो जाएगा आपका, ये 12 हो गया इधर और इधर हो गया 6, 7, 72 हो जाएगा। अब ये जो आएगा आपका ये आवर में आएगा टाइम, ऑप्शन में देखें मिनट में दिया हुआ है, तो इनटू क्या कर देंगे आप यहां पर 60 कर देंगे, ये पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, इसको आप काट लेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। अब इसको देखिए डिवाइड कीजिए, 12 दिन 24 मतलब 2 मिनट हॉल 1/12, ये हो जाएगा पूरा पूरी 2 मिनट, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा 5 सेकेंड,
तो 2 मिनट 5 सेकंड के बाद दोनों मिलेगा, 2 मिनट 5 सेकंड आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार 75 रुपए पर किलो वाला और 90 रुपए पर किलो वाले दाल को मिलाता है और मिलाने के बाद मिक्सर का प्राइस कितना हो जाता है, 80, तो किस रेशियो में लगाएगा। सिंपली हम लोग लगा लेंगे एलिगेशन, इसको माइनस करेंगे 10 होगा, इसको माइनस करेंगे 5 होगा, तो रेशियो जो बनेगा आपका 2 और 1 बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि 1.5x और 0.04y बराबर है आपस में, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इसके हेल्प से x और y का रेशियो निकालेंगे। ये 15/10x है और 4/100y है, तो 0 0 तो गया, 2 से 2, 2 से 5, तो 75x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां से, इक्वल हो जाएगा 2y, तो x और y का जो रेशियो निकल के आएगा 2 और 75 निकल के आएगा। अब पूछा गया आपसे क्या, y माइनस x, तो y माइनस x करिए कितना हो जाएगा 73, बाय y प्लस x ऐड कर देंगे तो 77 हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके भुजाएं 13, 5 और 12 है। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको आप 6 बार में काट देंगे तो आपका आंसर जो आएगा 30 सेंटीमीटर² आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला आपका दिया हुआ है ज्योमेट्री का क्वेश्चन कि इस फिगर में बताना है सीएल का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, इस केस में ये जो पार्ट होता है यानी कि CL और LD का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा हमेशा AL और LB का। अब यहां पर देखिए CL का वैल्यू तो दिया नहीं है, छोड़ दीजिए, LD दिया हुआ है 6, AL 8 है और आपका LB दिया हुआ है 3। आपसे पूछा गया किसका वैल्यू, CL, इसी का वैल्यू निकालना है, तो 3 से 2 और 2 से काट देंगे 4, तो CL का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि घन का आयतन 5832 cm³ है। अब यहां से आपको देख के पता लगा कि आपको कम से कम 26-27 तक क्यूब याद होना चाहिए। 5832 किसका क्यूब याद, पता नहीं आपको, क्योंकि यहां पर घन का वॉल्यूम होता है 1 क्यूब और 1 क्यूब का वैल्यू दिया 5832। अब पता ही नहीं किसका क्यूब है, क्या करेंगे आप, जिसको पता रहेगा तुरंत ले देगा 18 क्यूब है ये, तो क्यूब रूट ऑफ 5832 यानी कि 18 हो जाएगा। आप पूछा गया इसका TSA क्या होगा, तो TSA हो जाएगा 6A², तो 6 × 18² कितना हो गया 324, मल्टीप्लाई करेंगे 18 से कुछ ज्यादा ही होगा और यूनिट प्लेस 4 होगा, ये होगा लग रहा है, मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं, 24 × 4 = 12 × 14 वही होगा 18 × 19 = 1944, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ है 20, तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई इसके आधार, इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या का दुगना है, हाइट जो होगा इससे दुगना होगा यानी कि 20 सेंटीमीटर होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100, एच हो गया 20, तो आंसर हो जाएगा 2000 πcm³, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहां पर है, हालांकि यहां पर पाई यहां भी होना चाहिए और पाई यहां भी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड, ये साइन 3a का फॉर्मूला है, 3 sin a - 4 sin³a, यदि आपको बोलता cos का तो जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन शायद DI का होगा, हाँ DI का ही है, लिखा हुआ एक पाई चार्ट दिया हुआ है, 2019-20 के दौरान विभिन्न खेलों में एक देश के खर्च करोड़ में दर्शाते हैं, ये पाई चार्ट का अध्ययन करना है और आंसर बताना है,
तो चलिए इसका क्वेश्चन को देखते हैं। ये इसका क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि यदि 2019 और 2020 के दौरान खेलों में खर्च की गई टोटल राशि 260 करोड़ रुपया थी, टोटल कितना सब मिला खर्चा किया 260, तो बताइए हॉकी पर कितना रुपया का खर्चा किया। अब हॉकी कहां है देखिए, तो हॉकी यहां पर इस जगह पर है और हॉकी पे 15 खर्च किया है, तो सिंपल बताइएगा टोटल 100 का वैल्यू दिया हुआ है कुछ इतना, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे 260/100 और हॉकी पर 15 किया था तो 15 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हॉकी पे खर्च निकल जाएगा 0 0 5 से 2 बार में 5 से 3 जाएगा और चल जाएगा 13, तो 13 39 करोड़ रुपया जो है वो हॉकी पर खर्च किया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला डीआई का ही होगा। एक टेबल दिया हुआ है आपको और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, क्या देख लेते हैं, यदि सोमवार को बेकरी सी द्वारा बेचे गए कुल संख्या में से 40% वनीला केक, तो सबसे पहले देखते हैं सी कहां है, यहां पर मंडे कहां है, यहां पर तो 245 ठो बिक्री हुआ है सी में, मंडे को बिक्री कितना हुआ है 245 बिक्री हुआ है। अब उसमें से 40% वनीला केक था और शेष क्या था, स्ट्रॉबेरी केक, तो बताइए बेकरी सी द्वारा सोमवार को बेचे गए स्ट्रॉबेरी केक की कुल संख्या कितना था। आप बताइए यदि 40% वनीला होगा तो बेकरी कितना, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी कितना होगा 60 होगा, तो 60% निकाल देंगे डायरेक्ट इसका, 60% मतलब 3/5, 5 से काटिए ये आपका 49 बार में जाएगा, 49 × 147 होता है और 147 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नीचे दी गई तालिका उन लोगों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक सर्वेक्षण में अपनी पसंदीदा नृत्य शैली के बारे में बताया है, इसका आपको अध्ययन करना है और आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है, देखा 30 वर्ष तक की आयु वाले कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि डांडिया उनकी पसंदीदा नृत्य शैली है। तो आप एक चीज बताइए, यहां पर डांडिया कहां दिख रहा है, तो आप देखेंगे डांडिया इस जगह पर है और 30 तक है, मतलब ये 30 से ज्यादा नहीं लेना है, 30 तक ही लेना है, 1 7 इधर हो गया और 8, तो 15 लोग ऐसे हैं जो 30 तक के एज तक का है, कितना में से, तो 15 लोग है, टोटल कितना है देख लीजिए यहां पर, तो 70 में से इंटू कर लेंगे 100, तो हो जाएगा 150/7, तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 और 1 ये 21 पॉइंट हो गई, 21.43% ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो टोटल यहां पर देखे 30 तक कितना है, तो 7, कितना में से, तो टोटल 30 तक कितना है, तो 70 इंटू कर देंगे 100। तो इस प्रकार से 2500 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ खत्म, आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।